हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया, मैं बढ़िया। सो आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ आटे का हलवा, प्रसाद बोल सकते हो, जैसा कि गुरुद्वारे में हमें मिलता है वैसा। और ये है देसी घी जो मैं डाल रही हूँ इसमें, और देसी घी जितना ज़्यादा होगा प्रसाद उतना ही अच्छा और टेस्टी बनेगा फ्रेंड। सो वीडियो मैं बहुत दिनों के बाद बनाने जा रही हूँ। सो गार्डन से रिलेटेड नहीं है, सो किचन से रिलेटेड है। आप लोगों के लिए रेसिपी बनाने जा रही हूँ, रेसिपी बोल सकते हो, प्रसाद बोल सकते हो। सो आज मीठा खाने को दिल कर रहा था, सोचा क्यों ना प्रसाद बना लूँ मैं। सो इसीलिए मैंने आज प्रसाद बनाया है प्रतीक और अपने लिए। सो घी हमने डाल लिया है, अब हम इसमें आटा डालेंगे। सो जो जो जैसे जैसे करूँगी मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। वैसे बनाना बहुत ही टेस्टी बना था, और मैंने जे कप से शुगर लेना है और इतना सा ही मैंने आटा लेना है। जे कटोरी देख सकते हो, जितनी शुगर है उतना ही आटा है। थोड़ा सा आटा ज़्यादा होगा और शुगर थोड़ी सी कम होगी, चीनी थोड़ी सी कम होगी। सो फ्रेंड्स, अब हम इसको ऐसे ऐसे हिलाएंगे, कोई भी गांठ नहीं पड़नी चाहिए। यदि घी कम लग रहा हो तो आप घी और ऐड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैं ऐसे ऐसे हिला रही हूँ, कोई भी गांठ नहीं पड़नी चाहिए, और आप गैस को कम कर कर हिला लें। और मैंने ना घी और डालना है, अब घी मुझे कम लगा। सो गैस को मैंने कम कर लिया है और घी को मैंने ऐड कर लिया है। सो इसको आटे को हमने बिल्कुल ब्राउन कर लेना है, भून लेना है कम गैस पर हम। और बीच में कभी मैं तेज़ कर देती हूँ, कभी कम, तो ऐसे ही मैं बनाऊँगी। जे जितना ज़्यादा हम कम गैस पर बनाएंगे उतना ही टेस्टी हमारा आटे का हलवा प्रसाद बनेगा फ्रेंड्स। सो जे देग कह सकते हो, प्रसाद कह सकते हो, जो जैसे गुरुद्वारा साहिब में मिलती है, और मुझे तो वो बहुत ही टेस्टी लगती है। सोचा क्यों ना मैं भी आज बना लूँ आप लोगों के लिए, और हम भी खा लेंगे और आप भी खा लीजिए। और प्रतीक को बोला, प्रतीक क्या मैं आज बनाऊँ प्रसाद? उसने बोला, मम्मा यस बनाओ। तो फिर तो मुझे बनाना ही था, और मेरा भी मन कर रहा था कुछ मीठा खाने को। सो चलो हम हिला लेंगे और घी को हम रख देंगे बंद कर कर। सो घी बहुत है, अब हम गैस को थोड़ा सा तेज़ कम कर कर इसको अच्छी तरह भून लेंगे आटे को, और बिल्कुल ब्राउन कर लेंगे। और इसको ना मैं ऐसे पकड़ लेती हूँ, बिकॉज ये हिल रही है ना, थोड़ा सा ये आटा है इसकी वजह से। और बिल्कुल ब्राउन कर लेंगे। और फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और कमेंट कर कर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, गार्डन से रिलेटेड और किचन से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप जितने भी मेरे वीडियो को देखते हो, प्लीज़ मुझे बता दिया करो कमेंट कर कर, तो मुझे पता चल जाएगा कि किस किस ने मेरी वीडियो देखी है। और जो भी कमेंट करेगा, सो मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ जब आपके कमेंट आते हैं, लाइक होता है। सो फ्रेंड्स, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, बिकॉज़ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आने वाले वीडियो के, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तभी, वरना पॉसिबल नहीं होता है कि आपको मेरी हर एक वीडियो आपको मिल सके। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आपको मेरी वीडियो ज़रूर मिलेगी, नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। सो देख सकते हो ये ब्राउन ब्राउन हो चला है और आटा अच्छी तरह भुन गया है। सो अब हम ये शुगर ऐड कर देंगे, चीनी। सो कप आधे से ज़्यादा है ये कप, और मैंने डाल दी है शुगर। सो अब हम इसमें वाटर डाल देंगे फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह हिला लेंगे। सो ये मैंने एक गिलास वाटर ले लिया है, सो डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरह हिलाई जाएंगे फ्रेंड्स, गांठ नहीं पड़नी चाहिए कोई भी, ध्यान से हिलाना। और
बहुत ध्यान से हिलाना है और नीचे नहीं लगना चाहिए और कोई भी गांठ नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे ऐसे हिलाई जाएंगे तो आपका ये हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा, यकीन माने बहुत ही टेस्टी। सो मैंने पहली बार बनाया था और बहुत ही अच्छा बहुत ही टेस्टी बना था, और एक गिलास जो वाटर डाला था। और अब हम इसको ऐसे ऐसे हिलाई जाएंगे फ्रेंड्स। सो देख लीजिए कोई गांठ नहीं है, देखने को तो लग रहा था वीक वाटर ज़्यादा डल गया पड़ गया मुझसे, लेकिन नो फ्रेंड्स, वाटर बिल्कुल सही पड़ा है। सो ये वाटर सूख जाएगा कुछ ही टाइम में। सो जितना ज़्यादा टाइम लगता है उतना ही अच्छा प्रसाद बनता है, टेस्टी हलवा बनता है फ्रेंड्स। यदि हम तेज़ गैस कर बना लेते आटे को भून लेते तो वो जल जाता है जब हम तेज़ गैस कर बनाते हैं, लेकिन कम गैस पर आटा भुनेंगे तो वो धीरे धीरे सिख जाता है, अच्छा सा बन जाता है। सो मैं और कुछ नहीं डालूँगी। सो ये बन रहा है, सो मैं इसको हिलाई जाऊँगी फ्रेंड्स। रुकना नहीं है, आपने हिलाते रहना है, जितना हिलाएंगे उतना ही अच्छा बनेगा फ्रेंड्स। आप देख सकते हो कि वाटर कम होने जा रहा है। सो ये बन जाएगा कुछ ही टाइम में। सो ये देख सकती हूँ कि प्रसाद बन रहा है, और ये घी कढ़ाई को सोड़ने लग जाएगा, प्रसाद कढ़ाई के साथ नहीं लगेगा। तब तक हमें इसे हिलाते रहना चाहिए, जब तक ये चिपकता है ना तब तक हमें इसको हिलाते रहना चाहिए। जब ये कढ़ाई से अलग हो जाएगा, साथ नहीं लगेगा कढ़ाई से, तब ये बन जाएगा। सो आप देख लीजिए, अभी तो कढ़ाई के साथ चिपक रहा है ना, फिर नहीं चिपकेगा, फिर अलग अपने आप ही हो जाएगा, तब बनकर रेडी हो जाता है हमारा प्रसाद। सो आप लोग ज़रूर बनाएं और ट्राई करें, और ठंड भी है गर्मा गर्म टेस्टी सा, अच्छा लगा बहुत ही टेस्टी। सो मैंने कल बनाया था और आज आप लोगों को वीडियो सेंड कर दूँगी एडिट कर, मॉर्निंग टाइम मैंने एडिटिंग कर रही हूँ, और इवनिंग टाइम तक आप लोगों के पास पहुँच जाएगा मेरा ये वीडियो। और कल मैंने प्रसाद बनाया था, सो देख लीजिए बहुत ही टेस्टी बन जाएगा, बहुत ही अच्छा सा, कोई भी गांठ नहीं पड़ी। तो आप ध्यान से देख ले, मैं जूम करके नीचे को कर दिखा रही हूँ कि ऐसे ऐसे बना है, कोई गांठ नहीं है, और ये कढ़ाई को छोड़ रहा है, मीन जो उसके साथ चिपकने से हट रहा है, अब नहीं चिपकेगा, अब बन रहा है धीरे धीरे कर, बस करना कुछ नहीं, हिलाते रहना है हमने ऐसे ऐसे, आप देख लीजिए। सो सो ये देख लीजिए बनकर रेडी हो गया है, बस कुछ ही टाइम में बन जाएगा। थोड़ा सा हम इसको और अभी कर लेते हैं,
जितना ज़्यादा करेंगे इसको कढ़ाई में रख कर हिलाएंगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। सो ये दिखा रही हूँ मैं आपको कि ऐसे ऊपर लगा देते हैं और ये नीचे को आ जाता है फिसल कर, मीन्स ये कढ़ाई को छोड़ रहा है। घी अब अलग हो गया, ये देख लीजिए ये तिलक रहा है, फिसल रहा है, मीन्स कढ़ाई से प्रसाद सो बन गया है। और आप ज़रूर बताएं किन किन लोगों के मुंह में पानी आया। सो मेरा बहुत ही टेस्टी इसका आटे का हलवा बना था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। सो आप ज़रूर बनाएं, मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था फ्रेंड्स और इतना टेस्टी बना यकीन माने। और एक बार हम जब छोटे थे भाई बहन दोनों ने बनाया था और उस टाइम हमने बहुत गलत कर दिया था, घी कम रखा था और एक कटोरी भैया के नाम का आटा डाल लिया, एक कटोरी अपने नाम का, एक पेरेंट्स के नाम का। सो आटा हमने बहुत ज़्यादा डाल लिया था और खाया नहीं जा रहा था, फिर बहुत ही वेस्ट हुआ था तब। और हमारे मम्मा ने हमें डांटा भी था कि आपने इतना आज क्या क्या किया, इतना ख़राब कर दिया आटा और घी, हाँ बिकॉज तब हमें बनाना नहीं आता था। लेकिन आज हमें पता लगा कि घी ज़्यादा रखना होता है, आटा बिल्कुल कम रखना होता है और ज़्यादा ही बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बन जाता है। सो बनकर रेडी है। प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक और कमेंट कर दें, मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। सो मेरा प्रसाद, आटे का प्रसाद बनकर रेडी हो चुका है, बस कुछ ही टाइम में हम कटोरी में निकाल लेंगे और खा लेंगे गर्मा गर्म। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स और बनाएं और खाएं और खिलाएं। सो बनकर रेडी हो चुका है, बहुत ही अच्छा सा, देख लीजिए कढ़ाई के साथ बिल्कुल नहीं चिपक रहा। सो देख लीजिए बिल्कुल नहीं चिपक रहा, बहुत ही अच्छा सा बन गया है। सो खाने को रेडी है बस। बनने में टाइम तो लगता है फ्रेंड्स, तो अच्छा तो बनता ही है ना फिर यदि टाइम लगा है। सो अब हम खा लेंगे, निकाल लेते हैं कटोरी में और गैस को कर देंगे बंद। बस बनकर रेडी है। चलो जी गैस कर दिए बंद और निकाल लेते हैं कटोरी में और खाएंगे और खिलाएंगे। आप भी प्लीज़ खा लीजिए और मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।